तो हम सबने तो छात्रों को कलम किताब से ही दोस्ती कराने के लिए सीखा है, अब क्या सिखाना है। बहुत छात्र पढ़े IAS IPS इंजीनियर वगैरह ढेर बने हैं, तब उसको क्या कहना, आप क्या कहिएगा, क्या बताएंगे हम। ये तो नहीं है कि हम रोडे छापते हैं, प्रोफेसर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही कई सवाल के घेरे में है। इसी क्रम में डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो भी मंत्री हैं जिन्होंने शपथ लिया है उनको मैं बताना चाहता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़े ही शालीनता के साथ पेश आएं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि गुलदस्ता लेने से परहेज करें, उन्हें कॉपी और कलम का जो है पाठ पढ़ाएं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं सरकार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। अब इस पर जो है खान व भूतत्व मंत्री जो खड़े नहीं उतर पाए, जब मीडियाकर्मी उनसे सवाल किया, जब न्यूज़ फाउंडेशन उनसे सवाल किया है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाते हैं। CM आप लोगों को एक निर्देश दिए हैं कि किसी भी कार्यकर्ता से आप लोग गुलदस्ता ना लें, उनको कलम कॉपी के लिए प्रेरित करें। देखिए ऐसे मैं ऐसे भी मैं पटना यूनिवर्सिटी के BN कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहा हूँ रिटायर करके 20 में। तो हम सबने तो छात्रों को कलम किताब से ही दोस्ती कराने के लिए सीखा है, अब क्या सिखाना है। बहुत छात्र पढ़े IAS IPS इंजीनियर वगैरह ढेर बने हैं, तब उसको क्या कहना है, आप क्या कहिएगा, क्या बताएंगे हम। ये तो नहीं है कि हम रोडे छापते, प्रोफेसर रहे हैं, सब छात्र छात्राओं को पढ़ाएं बताएं, अच्छा मार्ग पर चलना, पढ़ो लिखो आगे बढ़ोगे, भविष्य बनेगा, मजबूत होगा, सरकार आगे तक चलेगी, बिल्कुल चलेगी। आप देखें ना, है हमारे माननीय सांसद ललन सिंह ने क्या कहा, ये सामाजिक विचारधारा के हैं, लालू जी नीतीश जी दोनों एक विचारधारा के हैं, और नीतीश जी जो गए थे विपरीत विचारधारा में गए थे। आप सुने होंगे माननीय सांसद ललन सिंह ने कहा कि चार व्यक्ति है जो महागठबंधन से तुरवा करके ले गया उधर, ये तो बेले हैं, हाले 10 दिन पहले है, सार्वजनिक है, अगर नहीं वो लोग चारों लगते तोड़ते तो आज तक रहता, चुने दोनों का एकदम विचारधारा एक है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा, आपको बता दें कि साफ तौर पर खान व भूतत्व मंत्री का कहना है कि हम अब बच्चे नहीं हैं, हम एक प्रोफेसर हैं, हम कई लोगों को पढ़ा करके IAS और IPS बनाए हैं, हमारा कॉपी और कलम से पुराना लगाव है, हमें किसी के पाठ पढ़ाने की और सीखने की अब ज़रूरत नहीं है। हालांकि डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए अपने सभी मंत्रियों को हिदायत दिया और कहा कि इन सब चीज़ों से परहेज करें, लेकिन खान व भूतत्व मंत्री इन नियमों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। खान व भूतत्व मंत्री को देखिए कि किस तरीके से कहने के बावजूद भी फूल से उनको उन पर बारिश हो रही है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हम एक प्रोफेसर हैं, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो कॉपी और कलम से पुराना लगाव रहा है और हम लोगों को पढ़ाकर IAS और IPS बनाए हैं, सीखने की उन्हें ज़रूरत होती है जो अभी नए नए मंत्री बनाए गए हैं। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।